शालोम। आइए बिला नागा दुआ कीजिए। वेलकम फ्रेंड्स टू माई चैनल। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। एक दफा एक आदमी हज सफर में दुआ करने के लिए जगह ढूंढ रहा था। शायद उसने अपने लिए कोई ख़ास औकात ठहराए हुए थे जिनमें वो दुआ करता था, लेकिन चूंकि वो हालत सफ़र में था और इस दौरान उसके दुआ का वक्त हो गया था, तो वह ऐसा मकाम तलाश करने लगा। ज़ाहिर है इंसान के जहन में दुआ के लिए ये बात घर कर चुकी है कि इसको अदा करने के लिए एक मुकद्दस मुकाम, तन्हाई और सुकून होना ज़रूर है। लेकिन काफ़ी देर के बाद भी उसे ऐसी जगह ना मिली। फिर किसी दाना आदमी से उसने ऐसी जगह दरियाफ्त की तो उसकी हदायत पर वो एक ऊंचे मुकाम की तरफ चल दिया। लेकिन जैसे ही वो उस मुकाम पर पहुंचा तो थकन से चूर होकर वो बैठ गया और थोड़ी देर के बाद उसे नींद ने आदबोचा। अजीजो, ये नींद वक्ती थी, लेकिन याद रखने की बात ये है कि ये नींद आखिरी भी हो सकती है। यीशु हमशाख के वफादार खादम रबी शाऊल ने ये हुक्म दिया है कि बिला नागा दुआ की जाए, तो क्या इसका ये मतलब है कि हम दुनियावी कामों को छोड़कर मुकद्दस मुकाम, तन्हाई और सुकून में बैठे रहें और दुआ करते रहें? नहीं, बल्कि रबी शाऊल का मतलब ये था कि हम ठहराए गए वक्तों और मुकामों पर दुआ मुसलसल तौर पर करें, लेकिन दुआ को वक्तों और मुकामों का मोहताज ना बनाएं। यानी हमें खुदा से रिश्ता जोड़ने के लिए, उससे बात करने के लिए पहाड़ों, ऊंचे मुकामों की ज़रूरत नहीं, बल्कि फ़क्त रूह और सच्चाई की ज़रूरत है, जैसा कि हमारे खुदावंद का भी यूहन्ना चौथे बाब में इरशाद है। रूह और सच्चाई की गहराई को कभी तफसील से समझेंगे, फ़िलहाल इतना जान लीजिए कि रूह से मुराद आपकी असल हकीकत है और सच्चाई से मुराद आपकी तौबा है। यानी हमें हकीकी तौर पर तौबा की हालत में खुदा के पास आने की ज़रूरत है। इसके लिए फिर जगह, वक्त, तन्हाई और सुकून की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि फ़क्त आपका ध्यान खुदाए हकीकी तरफ लगा रहना चाहिए। अब ये बात भी नहीं कि हमें वक्त, जगह, तन्हाई और सुकून को बिल्कुल रद्द कर देना है, बल्कि यीशु की तरह हमें एक जगह, तन्हाई और सुकून में दुआ करते रहना ज़रूर है। लेकिन यीशु के हमेशा दुआ करते रहने हुए हुक्म को पूरा करने के लिए वहीं नहीं बैठे रहना, बल्कि वापस दुनिया की भीड़ में शामिल होना है और यीशु की तालीम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारनी है। यही अमल हमारा बिला नागा और हमेशा दुआ करते रहना है और यही रूह का फल भी है, क्योंकि दुआ का हर मतलब फेल यानी अमल से जुड़ा होता है। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी को कलाम हक पर अमल करने में बसर करना है, चाहे हम गम में हैं, खुशी में हैं, कहीं पर भी किसी भी हालत में हैं, तो हमें दुआया तौर पर ही अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। ऐसा नहीं कि दुआया मुकाम पर तो हम अच्छे हैं और दुआया मुकाम और वक्त के बाद हम भेड़िए हैं। अपनों के साथ अच्छाई और गैरों के साथ बुराई, अपनों के लिए दुआएँ और गैरों के लिए बददुआएँ, अपनों से मोहब्बत और गैरों से दुश्मनी, ज़रा सोचिए, ये सब खुदावंद के अहकाम हैं जो मुआशरे में रहे बगैर पूरे नहीं हो सकते। अगर कलाम में बिला नागा और हमेशा दुआ करने का मतलब पाक मुकाम, तन्हाई और सुकून था, तो फिर ये अहकाम, तो फिर मैं दोबारा बोलता हूँ, तो फिर ये अहकाम किसी काम के नहीं। लिहाजा आइए आज से हम बिला नागा दुआ करें। सलामत रहें।